दरअसल आपको बता दें, एनसीपी में दो फाड़ के बाद असली और नकली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर राजनीति चरम पर है। चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताने के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब तलब किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ चुनाव आयोग को 7 फरवरी के उस आदेश को जारी रखने की बात कही, जिसमें शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि शरद पवार नए प्रतीक चिन्ह के आवंटन के लिए चुनाव आयोग का रुख कर सकते हैं और इसे आवेदन के 1 सप्ताह के भीतर दर्ज करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केबी विश्वनाथ की पीठ ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी घोषित करने के आयोग के 7 फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब मांगा। शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आयोग का 7 फरवरी का फैसला 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होने तक एक अंतिम व्यवस्था है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से शुरू होने वाला है और हमारे समूह के पास न कोई नाम और न चिन्ह होगा। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध भी किया था। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 15 फरवरी को अजीत पवार के नेतृत्व वाले रकापा को ही असली एनसीपी माना था। उन्होंने कहा था कि संविधान में निहित दलबदल रोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। इससे पहले आयोग ने 7 फरवरी को अजीत पवार गुट को असली एनसीपी मानते हुए उसे पार्टी का चिन्ह घड़ी आवंटित किया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाद ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अस्पष्ट था कि वे इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते थे। 10वीं अनुसूची अस्पष्ट रूप से कहती है कि जब तक आप किसी राजनीतिक दल में विलय नहीं कर लेते तब तक आपकी स्वतंत्र पहचान नहीं हो सकती। मेरे अनुसार अजीत पवार का खेमा शरद पवार को नष्ट और ध्वस्त करना चाहता है। वे शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से उखाड़ फेंकना चाहते हैं।